अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद जावेद, सच की आवाज़, एनपीएस न्यूज़। देखिए आज की ताज़ा खबर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, मेरा नाम मोहम्मद खालिद हुसैन है, जिसका एक्सीडेंट हुआ है। मेरे ससुरे साहब है जो ना, जिसका एक्सीडेंट वगैरह हुआ वो ससुरे साहब है, और जो एक्सीडेंट करे थे वो बच्चों को जो ना इंजुरीज हो गए थे काफ़ी सारे। तो यहाँ पे बस्ती के लोग जो ना, हमारे लोग जो ना ले जाकर पेशेंट को भी और उनके बच्चे को भी, जो एक्सीडेंट करा वो बच्चे को भी जो ना लेकर हॉस्पिटल, ओवेसी हॉस्पिटल लेकर गए, ताकि दोनों का ट्रीटमेंट हो सके। तो वहाँ पर इमरजेंसी में ट्रीटमेंट करने के बाद वो लोग जो ना देखे कि ये भाई पेशेंट को जो है, जिसको बाइक वाला मारा, जो उनको जो ना पूरे इंजुरीज हो गए, यानी कि ब्रेन में ब्लड स्टक हो गया और जो ना लेग बोन चले गया, राइट चले गया, यानी कि इंजुरीज बहुत हो गए। जो ना बहुत काफ़ी टाइम से जो ना उन लोगों को ब्लड भी बहुत काफ़ी सारा चला गया। तो लोग अभी ऐसा हो गया, पेशेंट को वेंटिलेटर पर डालने की नौबत आ गई। दो दिन के बाद जो ना इनका आज इंतकाल हो चुका है, 6:30 बजे जो ना वो लोग रिपोर्ट दिए। तो जो बच्चे को हम लोग लेकर गए थे उनका ट्रीटमेंट वगैरह करे, वो लोग बताए कि भाई जो ट्रीटमेंट किए आप केस मत कीजिए, हम लोग जो भी है सपोर्ट करेंगे और आपका जितना हर जाना है पेशेंट को हम लोग लगाएंगे करेंगे बोल के वो लोग बोले। यानी कि 3-4-5 लाख रुपए कुछ खर्चा वो लोग बताए, ठीक है बोल के हम लोग जो ना करे वहाँ पे। अब ये लोग सपोर्ट क्या करे बोले तो, जिस दिन हम बच्चे को लेकर आए थे वहाँ पर, वो लोग एक्नॉलेजमेंट लेटर एक हमारे को दिए राइटिंग में लिखकर कि ये बताए भाई आप परेशान मत होइए और पुलिस कंप्लेंट मत कीजिए, जितना पेशेंट को जो ख़राब हुआ है हम लोग उसको पूरा रिकवरी करे तक पेमेंट देंगे बोल के बताए। फिर वो लोग जो ना 2-3 दिन के बाद जो ना ऐसी हरकतें की है कि भाई ना ही फ़ोन उठा रहे ना ही वो लोग वो कर रहे। पहले तो बोले बच्चे को लेकर जा रहे हैं फिर चले गए, और दूसरे टाइम में जो ना खुद चले गए। हमारे 3 दिन आज हो गया है जो ना आज इंतकाल हो गया, वो लोग 1 रुपया भी